हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम ज़िया। देखिए गाइज, आज एक बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, जेंट्स स्वेटर में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेडीज़ कुर्ती में भी आप इसे बना सकते हो। ये मैं 3 से 4 साल तक के बेबी का बना रही हूँ, लड़के का। ये कार्डिगन है, इसके जो मैंने फंदे रखे थे इस बॉर्डर के, ये मैंने यहाँ पर 75 फंदे रखे थे और ऊपर को मैंने 6 फंदे और बढ़ा दिए, 81 फंदे ये हो गए थे ऊपर। काफ़ी फंदे होते हैं 3 से 4 साल तक के बेबी के लिए। तो ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगा, चलिए देखते हैं। 12 के मल्टीपल से आप ये फंदे इसमें ऐड करोगे, और अगर आपके थोड़े बहुत फंदे ज़्यादा या कम हो रहे हैं तो आप टेंशन नहीं लोगे। 12 के मल्टीपल से फंदे डालने के बाद आपने उसमें 3 फंदे और प्लस कर देने हैं। एक एक फंदा आपका स्टार्ट और लास्ट में स्टिच रहेगा और एक फंदा इक्वल करने के लिए हो जाएगा। तो 12 के मल्टीपल से डालने के बाद 3 फंदे और प्लस कर देने हैं, और अगर आपके और ज़्यादा फंदे हो रहे हैं तो आप टेंशन ना लें। आप दोनों साइड में जो फालतू फंदे हो रहे हैं दोनों साइड में उनको निकाल देंगे, और फिर आप जिस तरह से मैं डिज़ाइन आपको बताऊँगी उस तरह से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए, इसमें मैंने ये 27 फंदे डाल लिए हैं। तो अगर आपके फंदे फालतू भी हो रहे हैं, 12 के मल्टीपल से नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि साइड में कुछ फंदे सीधे बुन देंगे, कुछ लास्ट में बुन देंगे आप अपने फंदे गिनने के बाद, और उसके बाद आप इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। देखिए, ये हमारा स्टिच है, उनको आगे लिया, 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे बस इस तरह से, फिर आप स्टार्ट कर दोगे। देखिए, 4 फंदे मैंने उल्टे बुने, उनको पीछे लिया, अब ये दोनों फंदे हम एक साथ बुनेंगे। अब ये एक फंदा बीच में जो है, इसके दोनों साइड हमने जाली डालनी है, उनको आगे लिया, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। हर बार इस फंदे के दोनों साइड जाली बनेगी, उनको आगे लिया, इस फंदे को पलट देंगे और इन दोनों फंदों को भी एक साथ लेकर बुन देंगे। फिर से उनको आगे लेंगे, अब 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उनको आगे लिया, 2 फंदे एक साथ लेकर बुने नीचे की साइड से, उनको आगे लिया, इस फंदे के दोनों साइड हमारे जाली डलेगी, फिर से उनको आगे लिया, इस फंदे को पलटना ज़रूरी है। देखिए, अब लास्ट में भी हमारे 4 फंदे आ गए, 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक फंदा हमारा स्टिच है। 4 फंदे हमने उल्टे बुने, उनको आगे लिया, ये स्टिच फंदा है हमारा। अब देखिए, रॉ नंबर 2 आई है हमारी, पहला फंदा बिना बुना निकाल देंगे, स्टिच है, उनको आगे लिया, जो फंदे हमने उल्टे बुने हैं उनको उल्टी सिलाई पर हमने सीधा बुनना है। 4 फंदे हमारे सीधे बुने, उनको आगे लिया, अब ये वाले फंदे हमारे जो हैं जिनको हमने सीधा बुना था उनको हम उल्टा बुनेंगे। अब ये 7 फंदे हैं यहाँ पर, इनको सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई मैं आपको हर बार नहीं दिखाऊंगी, बस जो फंदे हम उल्टे बुनने हैं सीधी सिलाई पर उनको हमने सीधा बुनना है, और जो सीधे बुनने हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। एक, 2, 3, 4 4 फंदे सीधे बुन दिए जिनको उल्टा बुनना था, ये स्टिच है। अब देखिए, रॉ नंबर हमारी 3 आई है, पहला फंदा स्टिच, उनको आगे लिया, अब 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3 उन पीछे पहुंचाई। अब देखिए, ये सीधा फंदा है और ये उल्टा है, तो इस सीधे के साथ उल्टे को लेकर इस तरह से फिर से हम 2 का 1 बनाएंगे। अब उल्टे फंदे हमारे कम होते जाएंगे और सीधे फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। अब ये जो जाली का फंदा था इसको भी सीधा बुनेंगे,
उनको आगे लाएंगे, फिर से इस सेंटर के फंदे के दोनों साइड हमारी जाली बनेगी। फिर से उनको लिया, ये सीधा बुना फंदा जो जाली वाला है। अब देखिए ये वाला फंदा पलटेंगे और इसके साथ हम एक फंदा उल्टा लेकर दो का एक बना देंगे। उनको आगे लिया, एक दो तीन चार पाँच, अब हमारे पांच फंदे बचे, पहले सात थे अब पांच बचे। अब देखिए सीधे के साथ इस उल्टे को लेकर बुनेंगे, फिर जाली वाला फंदा बुनेंगे, उनको आगे लाएंगे, सेंटर के फंदे से जाली बनाएंगे। फिर से उनको आगे लिया, सीधा फंदा बुनेंगे जाली का, इस फंदे को पलट देंगे और इसके साथ एक फंदा उल्टा लेकर बुन देंगे। ऊन आगे लिए, अब तीन फंदे यहाँ पर बचे हमारे। अब देखिए रॉन्ग साइड आई है, रॉ नंबर फोर है, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। जो सीधे दिख रहे हैं सीधे बुनने हैं, जो उल्टे दिख रहे हैं उल्टे बुनने हैं। देखिए रॉ नंबर फाइव आई है, सीधी सिलाई है हमारी, उनको आगे लिया। देखिए अब की बार हमारे ये दो फंदे बुने जाएंगे उल्टे, एक दो, हर बार ये उल्टे फंदे हमारे कम होंगे। अब इस सीधे के साथ इस उल्टे को लेकर दो का एक बना देंगे। अब ये एक ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे जाली का, एक दूसरा जाली से बढ़ा था इसको सीधा बुनेंगे। बस इस सेंटर के फंदे के दोनों साइड ही हमने जाली बनानी है। उनको आगे लिया, फिर से उनको आगे लिया, दो फंदे पहले सीधे बुनेंगे, एक दो। अब ये फंदा पलटेंगे, इसके साथ एक उल्टा फंदा लेकर दो का एक बनाएंगे। उनको आगे लिया, अब हमारे यहाँ पर तीन फंदे बचेंगे, एक दो तीन। ऊन पीछे पहुँचाई, फिर से एक उल्टा लिया इसके साथ में, एक दो फंदे बुने। देखिए सेंटर का फंदा आया है, उनको आगे लिया, तो उनको आगे लिया, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो। इस फंदे को पलटेंगे, इसके साथ एक उल्टा लेकर दो का एक बना देंगे। जाली से फंदा बढ़ रहा है और इधर हमारा एक एक फंदा घट रहा है। दो बचे यहाँ पर, एस स्टिच है। अब देखिए रॉ नंबर सिक्स आई है, तो ये उल्टी सिलाई है, जैसा फंदे दिख रहे हैं वैसे ही आप बुनोगे। रॉ नंबर एट आई है, फिर से उनको आगे लिया, अब दो फंदे ही बचे उल्टे यहाँ पर, तो अब एक ही फंदा बुना जाएगा उल्टा। उनको पीछे पहुँचाया, इसके उल्टे सीधे के साथ एक उल्टा लेकर दो का एक बनाया। अब यहाँ पर ये तीन फंदे हो चुके हैं जाली से, एक दो तीन, जाली यहाँ पर बननी है सेंटर का फंदा। फिर से उनको आगे लिया, एक दो तीन, उनको पलट कर डाला। अब देखिए यहाँ पर भी एक ही बच्चे का फंदा बीच में हमारा, दो का एक बनाया, सेंटर का फंदा आया है, जाली टलेगी। देखिए उल्टा यहाँ पर भी एक ही बचा है, एक एक फंदा बचा है अब हमारा। देखिए रॉ नंबर नाइन है, उल्टी सिलाई है, जैसे जैसे दिख रहा है सिर्फ एक एक ही फंदा सीधा बचा है, वैसे वैसे आप बुन देंगे। देखिए रॉ नंबर टेन आई है, अब एक एक ही फंदा हमारा बचा है, तो अब कोई उल्टा नहीं बुनेंगे हम, इस सीधे के साथ उल्टा फंदा। देखिए अब उल्टे फंदा इधर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सेंटर का फंदा है, जाली डलेगी यहाँ पर दोनों साइड, एक दो तीन चार। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा है, एक इधर है, ये सीधा हमारा एक इधर है, तो किस तरह से लेंगे, पीछे की साइड से इस उल्टे फंदे में हम इस तरह से सिलाई को डालेंगे, इस फंदे को सामने से निकाल कर पीछे ले लेंगे और इस उल्टे फंदे को आगे लेंगे
और इन तीनों फंदों को यहाँ नीचे से लेकर, नीचे से लेकर तीनों का एक बना दिया। फिर से सेंटर का फंदा आया है, जाली डलेगी। अब यहाँ पर भी एक ही बचा है उल्टा फंदा, इसको पलट कर डालेंगे इस फंदे को, और उल्टे फंदे के साथ हम इस दो का एक बना देंगे। रो नंबर 12 आई है हमारी, पूरी सिलाई है हमारी उल्टी कंप्लीट होगी, कोई सीधा फंदा अब नहीं बचा है। देखिए एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा डिज़ाइन फिर से ये स्टार्ट होगा, लेकिन अब किस तरह से होगा, ये जो सेंटर के ये फंदा आया था तीन का, हमने एक बनाया था, तो ये दो इधर के लेंगे, दो इधर के, ये पांच फंदे तो ये हो गए हमारे, सात फंदे हमें इधर से उल्टे लेने हैं, 2 4 6 7। अब यहाँ पर तीन बच रहे हैं, तो अब हमारी यहाँ पर हाफ हाफ पत्ती बनेगी लास्ट और स्टार्ट में। तो चलिए कैसे बनेगी। पहला फंदा स्टिच है, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे लिया हमने, सिर्फ एक एक जाली बनेगी हाफ पत्ती में हमारी, दोनों साइड नहीं बनेगी, दो का एक बनाएंगे पलट कर फंदा, ऊन को आगे लिया, सात फंदे हम इसमें उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऊन को आगे लिया, अब इन दो फंदों को एक बनाएंगे नीचे से लेकर, दो का एक बनाया, ये आया मेन फंदा जो सेंटर का बनेगा, ऊन को आगे लिया, दोनों साइड अब जाली बनेगी, सेम तरीका वही है, बस डिज़ाइन चेंज होगा। दो का एक बनाया, फिर से यहाँ पर 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 3 4 5 6 7। अब ऊन को आगे लिया, इसको सीधा बनाया फंदे को, ऊन को आगे लिया, अब इस फंदे को पलट कर डालेंगे, यहाँ पर भी ये हाफ ही पत्ती बनेगी हमारी, 2 का 1 बनाया, ये स्टिच है। अब उसी तरह से उल्टी सिलाई बनेगी जिस तरह से मैंने बताई थी, ये 7 फंदे सीधे बुनेगा, पर ये 5 फंदे उल्टे। ये देखिए इस डिज़ाइन की रो नंबर 3 आई है, एक फंदा स्टिच है, इस फंदे को सीधा बुना, यहीं पर इसके जाली डलेगी एकदम सीधा बुनने के बाद, एक फंदा ये जाली का था सीधा बुन देंगे, इस फंदे को पलट कर डाल देंगे, 2 का 1 बनाया, 5 बचेंगे फंदे हमारे। बस ये सिलाई आपको और दिखा रही हूँ मैं, सेम तरीके से आप बनाएंगे जिस तरह से मैंने पहला डिज़ाइन बताया था, और जब आपका ये डिज़ाइन पूरा हो जाएगा तब आपने ये करना है कि जिस तरह से पहले फंदों पर डिज़ाइन बना था पहला वाला, उसी तरह से फिर आप दूसरा डिज़ाइन चेंज कर देंगे। देखिए मैं सेंटर का फंदा आया है, दोनों साइड जाली है, उल्टे फंदे 5 ही बचे हैं हमारे यहाँ पर। अब देखिए इस ये उल्टा फंदा इसके साथ लेकर 2 का 1 बना देंगे, पहले ये जाली का फंदा बुनेंगे फिर जाली डालेंगे, दूसरा डिज़ाइन जो हमने बनाया था इस तरह से हाफ पत्ती के साथ ये बनता जाएगा, सेम तरीका है बिल्कुल, बस फिर से जब आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा दूसरा, तो आप फिर से उन्हीं फंदों पर डालेंगे जिस पर ये पहला डिज़ाइन हमने बनाया था। तो कैसा लगा गाइस डिज़ाइन, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके भी बताएं कैसा लगा आपको डिज़ाइन। थैंक्स माय वीडियो वॉच।